हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी ब्लो मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम पूल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिकन फुटबॉल टीम का मेंबर होता है। इस दौरान वो वहाँ पर मौजूद चेयर लीडर मेक से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस चीज़ के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर हम ब्रायन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बाइक से टूटे हुए पुल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है और उसकी बाइक भी खराब हो जाती है। इसलिए वो लिफ्ट लेकर टाउन के गैराज में पहुंचता है और वहां के ओनर से कुछ टूल मांगता है जिससे वो अपनी बाइक ठीक कर सके। दूसरी तरफ आप एक होमलेस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे एक उल्का पिंड थोड़ी ही दूर पर गिरता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो चेक करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। फिर वहां पहुंचने पर उसे एक अजीब सी चिपचिपी चीज दिखाई देती है जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज उस बूढ़े आदमी के हाथों में चिपक जाती है। जिसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है, तभी उसके पास वो बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है जो उसके सामने ही अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से भागने लगता है। ये देखकर ब्रायन भी उसका पीछा करने लगता है। फिर डर कर भागने की वजह से वो बूढ़ा आदमी डेट पर जा रहे पोल और मैक की गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर ब्रायन भी पहुंच जाता है, जिसके बाद पोल और ब्रायन मिलकर उस बूढ़े आदमी का इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालांकि इस दौरान ब्रायन तो वहां से चला जाता है, लेकिन पोल और मैक वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद पोल उस बूढ़े आदमी को चेक करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो उसे वो आदमी बहुत ही खतरनाक कंडीशन में मिलता है, जिससे पोल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डॉक्टर को इस बारे में बताता है। फिर जब डॉक्टर उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस बूढ़े आदमी की बॉडी को किसी चीज ने अंदर ही अंदर पूरी तरह से खा लिया है, जिससे पोल बहुत ही ज्यादा डर गया था और पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताता है। तभी उस पर वो अजीब सा दिखने वाला ब्लॉब अटैक कर देता है जो कि बूढ़े आदमी को खाने के बाद काफी बड़ा हो चुका था। तभी मैग भी पोल की चीख सुनकर उसके पास पहुंचती है तो उसके देखते ही देखते वो ब्लॉब पोल को भी बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। इस दौरान मैग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। हालांकि मैग पुलिस ऑफिसर को इस बारे में बताने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और ऐसा लगता है कि मैग को शौक लगने की वजह से वो ये सब कुछ बातें बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम पोल की टीम के कैप्टन स्टॉक को देखती है जो विकी नाम की एक लड़की के साथ होता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी की डिग्गी से ड्रिंक लेकर वापस विकी के पास पहुंचता है तो देखता है कि ब्लॉब ने विकी को भी अंदर ही अंदर पूरी तरह से खा लिया है। इस दौरान वो ब्लॉब स्टोक पर भी हमला करके उसे भी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम मेक को देखती हैं जो अपने पेरेंट्स को ब्लॉब के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिससे मेक पूरी तरह से निराश हो जाती है। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जिसे पुलिस ऑफिसर पोल के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है, इसलिए वो उसे आजाद कर देते हैं। फिर ब्रायन डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां पर उससे बात करने के लिए मेक भी आ जाती है और उसे ब्लॉब के बारे में बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो ब्लॉब जैसे जैसे लोगों को खा रहा है वैसे वैसे उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ब्रायन को भी मेक की बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी हम उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक वर्कर को देखते हैं जो सिंक को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस पर भी वो ब्लॉब अटैक कर देता है और वहां मौजूद ब्रायन मेक और वेट्रेस के देखते ही देखते उस वर्कर को पूरी तरह से खा जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों पर भी अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जिससे बचने के लिए ब्रायन और मैक कोल्ड स्टोर में छुप जाते हैं। हालांकि वो ब्लॉब वहां पर भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, पर ठंड की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ हम वेट्रेस को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाती है और टेलीफोन से पुलिस को कॉल करके उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश करती है। उसी समय वो ब्लॉब टेलीफोन बूथ को चारों तरफ से घेर लेता है और उस वेट्रेस पर अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर ब्रायन और मैग भी टाउन के शेरिफ का पता लगाते हुए जंगल में उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ब्रायन को वो बूढ़ा आदमी मिला था, लेकिन वहां पे उन्हें गवर्नमेंट की बायोलॉजिकल कंटेनमेंट टीम पकड़ लेती है।
जाती है और उनकी जांच की जाती है कि कहीं वो दोनों भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद मैग टीम के लीडर डॉक्टर मिगोस से इस बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि स्पेस से कोलकापेंट धरती पर गिरा है जिसके अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया था और इसी वजह से वो लोगों को इन्फेक्टेड करके उनकी जाने ले रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मैग के छोटे भाई केविन और उसके दोस्त एडी को देखते हैं जो मूवी देखने के लिए थिएटर में गए थे। उसी दौरान थिएटर के अंदर बैठे आदमी को महसूस होता है कि वहां पर लगा हुआ एसी बंद हो गया है, इसीलिए वो चेक करने की कोशिश करता है, तभी उस पर भी ब्लॉब अटैक कर देता है। जिसके बाद थिएटर का मैनेजर चेक करने के लिए उस रूम में आता है तो देखता है कि ब्लॉब ने उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से खा लिया है और इससे पहले कि वो मैनेजर कुछ कर पाता वहां पर मौजूद ब्लॉब उसे भी खा जाता है। फिर हमें ब्रायन और मैक को दिखाया जाता है जिन्हें डॉक्टर मिगोस बताता है कि हमें इन्फेक्शन रोकने के लिए पूरे टाउन को क्वारंटाइन करना होगा। इसी वजह से वो उन दोनों को भी अपने साथ ही चलने के लिए कहता है, लेकिन ये बात ब्रायन को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, इसलिए वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने का फैसला करता है। लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर उन्हें जबरदस्ती वैन में बैठने पर मजबूर कर देते हैं और क्योंकि ब्रायन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो मैग के मना करने के बावजूद भी वैन से कूद जाता है। दूसरी तरफ जब मैग अपने पेरेंट्स से मिलती है तो उसे पता चलता है कि केविन एडी के साथ थिएटर में है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए थिएटर में पहुंचती है जहां पर ब्लॉब के अटैक करने की वजह से हड़कंप मच गया था। हालांकि मैग को केविन और उसका दोस्त एडी सही सलामत मिल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय केविन की जैकेट दरवाजे में ही फंस जाती है, इसलिए मैग उसकी जैकेट को फाड़ कर उसे बचा लेती है। लेकिन उन तीनों को ही वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है, इसलिए मैग दोनों बच्चों के साथ सीवर में कूद जाती है। जिसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो वापस से उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो उल्कापिंड गिरा था। तो वहां पर उसे डॉक्टर मिगोस और उसके साथियों की बातों से पता चलता है कि वो उल्कापिंड किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया बल्कि उन लोगों ने ही उसे छोड़ा है जिसमें एक बायोलॉजिकल वायरस था जिसे उन लोगों ने टेस्ट करने के लिए इस टाउन में छोड़ा था। हालांकि अपनी इस रिसर्च से डॉक्टर मिगोस काफी खुश था। तभी मिगोस को पता चलता है कि ब्लॉब मैग का पीछा करते हुए सीवर में गया है, इसलिए वो अपने साथियों को ब्लॉब को जिंदा ही पकड़ने के लिए भेजता है। तभी डॉक्टर मिगोस ब्रायन को भी देख लेता है और अपने साथियों से उसे भी पकड़ कर लाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन उन सबको चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और एक सीवर तक पहुंचता है। फिर हम लोग मैग को देखते हैं जो दोनों बच्चों को सीवर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी एडी पर ब्लॉब अटैक कर देता है। हालांकि मैग उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम थी। जिसके बाद केविन तो सीवर से बाहर निकल जाता है लेकिन मैग ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहां पर डॉक्टर मिगोस के आदमी पहुंच जाते हैं जो उस ब्लॉब पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉब उन लोगों को एक एक करके खाने लगता है। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर मैग सीवर के दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जहां पर ब्रायन पहले से ही मौजूद था, लेकिन उन दोनों को ही बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें डॉक्टर मिगोस का साथी मिलता है जो उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें जिंदा देखकर डॉक्टर मिगोस सीवर को बंद करवा देता है जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाएं। तभी ब्रायन की नजर डेनिस के पास मौजूद एक गन पर पड़ती है जिसकी हेल्प से वो सीवर का रास्ता पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है और सभी लोगों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर मिगोस सभी लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि ब्रायन और उसके साथ मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन ब्रायन सभी लोगों को बताता है कि वायरस किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया बल्कि इसे मिगोस ने अपनी रिसर्च के लिए यहां पर छोड़ा है। इस दौरान मिगोस ब्रायन को रोकने के लिए उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लॉब उस पर अटैक करके उसे सीवर के अंदर खींच ले जाता है। ये देखकर बाकी ऑफिसर ब्लॉब को एक्सप्लोजन की हेल्प से ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीवर से बाहर निकलकर लोगों को बहुत ही बेरहमी से खाने लगता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस दौरान में जब ब्लॉब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अटैक करती है और उस पर ठंड होने की वजह से वो उससे दूर चला जाता है, जिससे मैग समझ जाती है कि ब्लॉब को ठंडी चीजों की हेल्प से ही मारा जा सकता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को लेकर एक रूम में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई एक ट्रक लेकर ब्लॉब के पास आ जाता है और उस पर गैस से अटैक करने लगता है जिससे बौखलाकर ब्लॉब उसके ट्रक को गिरा देता है। इसी वजह से ट्रक का टैंक अलग
अलग होकर गिर जाता है, जिसके बाद वो ब्लॉब ट्रक के साथ साथ ब्रायन को भी धीरे धीरे निगलने लगता है, जिससे ब्रायन को बचाने के लिए मैग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रक में एक्सप्लोजन लगाकर उस ब्लॉब पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो भागने लगती है तो उसका पैर फंस जाता है, तभी ब्रायन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। उसी समय एक्सप्लोजन के फटने की वजह से ब्लॉब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर टाउन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।